राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड की जगह किसी और सीट से लड़ना चाहिए, कांग्रेस को ये सुझाव आया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की तरफ से ये सुझाव है, तो क्या ऐसे सच में हो सकता है कि वो वायनाड से चुनाव नहीं लड़ेंगे? दरअसल सीपीआई और कांग्रेस दोनों ही विपक्ष के संयुक्त धड़े हैं और इंडिया का हिस्सा है, और वायनाड में कांग्रेस के सामने सीपीआई ही एक मुख्य विपक्षी के तौर पर देखा जा रहा है। सीपीआई के जो ताज़ा सुझाव हैं, वो उस सुझाव से ये पता लगता है कि दोनों दलों के रिश्तों में एक तरह से खटास आती दिख रही है। कांग्रेस ने ऐसे विचार को खारिज किया है और कहा है कि फैसला बाद में लिया जाएगा। इस पर सीपीआई का कहना है कि पार्टी की आंतरिक बैठक में ये राय आई थी कि और इस पर कोई औपचारिक चर्चा भी नहीं हुई है। सीपीआई की ओर से कांग्रेस को कहा जाए कि वो राहुल गांधी को वायनाड से लड़ाने के फैसले पर पुनर्विचार करे। यह सुझाव पिछले हफ्ते सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार ने दिया था। कुमार का तर्क था कि इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स को आपस में लड़ने के बजाय बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने पर जोर देना चाहिए। कुमार ने इसे पार्टी फोरम पर उठाया गया आंतरिक मुद्दा बताते हुए टिप्पणी से इनकार कर दिया। हालांकि सीपीआई के महासचिव डी राजा ने बताया है कि राज्यों ने अपनी रिपोर्ट साझा की है और अपनी अपनी राय भी दी है, और अब तक कोई औपचारिक चर्चा इस पर नहीं हुई है। अभी तक ऐसा सुझाव केवल सीपीआई के भीतर उठा है, मगर आने वाले महीनों में अन्य छोटे दल और क्षेत्रीय छत्र भी ऐसे प्रस्ताव रख सकते हैं। चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस दिख रही है, और कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और पहली परीक्षा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों में होगी, और इन राज्यों में सीपीआई समेत इंडिया के अन्य सहयोगी दल कांग्रेस से टिकट वितरण में अपना हिस्सा भी मांग सकते हैं। और अब तो राहुल गांधी को असदुद्दीन ओवैसी ने भी खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है और उन्हें वायनाड जाने के बजाय हैदराबाद आने को कहा है। ओवैसी ने कहा कि आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आइए ग्राउंड में मेरे खिलाफ लड़िए। वायनाड जब से अस्तित्व में आया है, वहां हर बार कांग्रेस को ही जीत मिली है। केरल में मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम लेफ्ट में है और बीजेपी वहां बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है। जैसे जैसे वाम दलों की पकड़ ढीली होती गई, इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता गया। वायनाड सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला एक क्षेत्र है और तीनों ही प्रांत कांग्रेस प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो वायनाड में कांग्रेस पार्टी की टक्कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रही है, और इस लोकसभा सीट का इतिहास लंबा नहीं है। 2008 में परिसीमन के बाद से इसे लोकसभा सीट के रूप में घोषित कर दिया गया था। यहां पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कैंडिडेट एडवोकेट एम रहमतुल्ला को कांग्रेस उम्मीदवार एम आई शानवास से लगभग 1,53,439 वोटों से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी। कांग्रेस कैंडिडेट शनावाज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई उम्मीदवार पीआर सत्यन मुकरी को 20,870 वोटों से मात दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट पर 4,31,770 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 4.31% से पराजित किया था, जिन्हें 2,74,597 वोट मिले थे। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में लगभग 90% से ज्यादा ग्रामीण आबादी है, और सोशल मीडिया में लोग दावा करते हैं कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर 50% से ज्यादा है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो इस जिले की कुल आबादी 8,17,420 रही है, जिसमें पुरुषों की आबादी 4,01,684 और महिलाओं की आबादी 4,15,736 थी। हिंदू आबादी यहां पर 49.48% के करीब रही है और वो निवास करती है। साथ ही मुस्लिम आबादी 28.65% जनसंख्या है। ईसाई समुदाय की बात करें तो 21.34% यहाँ उसकी आबादी है, और वायनाड जिले में 80 से ज्यादा गांव है।
लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि ये कयास मात्र है, अभी इस पर कुछ फाइनल रिपोर्ट्स या फिर कुछ चर्चाएं या बयानबाजियां इस पर साफ तौर पर नहीं आई हैं, जिससे ये पुष्टि हो सके कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।